चले भाई दोस्तों, पहुंच गए मंडी। क्या मांग रहे हो? 3,000। क्या मांग रहे हो उसका? 5,000। ये लगी हुई बकरा मंडी पूरी। साथ आप भाई क्या मांग रहे हैं? 1,20,000 ले ले कशान के लिए, ले चलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है भाई, कोई 8 बज रहे होंगे, और मैं शान भाई, हमजा और अख्तर भाई, हम जा रहे हैं मुर्गा मंडी। और कहाँ पे ये मुर्गा मंडी? तो दोस्तों काफ़ी दूर है, वहीं जाके बताऊँगा। बाकी दोस्तों जाए इसलिए रहे क्योंकि यहाँ पे हमारे एरिया में और टंडोला एयर की मंडी भी मैंने आप लोगों को दिखाई है, वहाँ पे भी कोई ऐसे खास मुर्गे हमें देखने को नहीं मिले। तो अख्तर भाई पहले जा चुके हैं उस जगह पर, उन्होंने बुलाया, वो दूर है थोड़ी जगह, बेटा मिला लेके चलें। तो उधर जा रहे हैं, उधर देखते हैं कि हमारे को कोई अच्छे मुर्गे मिलते हैं वहाँ, और भी चीज़ें आई हुई होती हैं, कुछ पता नहीं है क्या मिले क्या ना मिले। पर हमने बोला यार आज आप लोगों को भी दिखाएं वहाँ की मंडी, और बताऊँगा मैं वहीं जाके कहाँ लगती है वो मंडी और उधर होती है। साथ रहिए बस, हम तो ऐसे पहुँचते हैं वहाँ पर। चले भाई दोस्तों, पहुंच गए मंडी, चलते हैं अंदर। हाँ क्या बोला था मैंने, इधर देखो मैंने बोला था ना ये नहीं है, ये लोग बकरा मंडी ले आए थे हमारे घर, गाय मंडी सॉरी, जिसमें दोस्तों मैं पहले कह चुका हूँ टंडो साईदाद वाली, अब उससे आगे लगती है ये मुर्गा मंडी। चलो देखते हैं, हमने एक कांटे लगे हैं सारे दोस्तों, पहुंच गए हैं, हो रही है सामने। दोस्तों पहुंच तो गए हैं मंडी, पर माल बहुत कम आया हुआ है। क्या मांग रहे हो? 3,000। क्या मांग रहे हो? 4,000। क्या मांग रहे हो उसके? हाँ छोड़ो, कौन सी नसल है? जागीरी। क्या मांग रहे हो उस्ताद? 3,000। सचिन जी क्या मांग रहे हो? पट्टो 6,000। 2,000 का एक। ₹1,000 का एक बच्चा, यहाँ भी वही रेट हिसाब किताब है जो हमारे एरिया में चल रहा है, बाकी कौन से सस्ते रेट है। क्या मांग रहे हो उसका? 5,000। कौन सी नसल है? क्या मांग रहे? 8,000 रुपये। नसल कौन सी है? न्यावाली क्रॉस। कितना पहला मुर्गा है जो अच्छा लग रहा है, हरी है माशाल्लाह से, अच्छी ना सही। क्या मांग रहे हो? 8,000। ये जी मसला एक नंबर है। अपने कैसे दे रहे हो? 4,000 रुपये। ये कैसे दे रहे हो? 1,200 रुपये दाना सारे। और वो जेनिया फॉल वो किसकी? अपनी नहीं है ये भाई, करो भाई। इसकी क्या बोल लो? 4,000 का। 4,000 का जोड़ा। और डक बत्तख 1,600 जोड़ा है। यहाँ तो हैदराबाद से भी खतरनाक मंडी हो रही है, वही बात पढ़ रही है जो वहाँ पे पढ़ रही है। रखना सा पानी में देखते हैं आगे मिलता नहीं मिलता। क्या मांग रहे हो? 5,000। 5,000 इसके, 4,000 इसके। दोस्तों मुर्गा मंडी में तो कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, बहुत महंगी है। तो मैंने बोला एक बकरा मंडी का भी राउंड लगा रहे हैं। ये लगी हुई बकरा मंडी पूरी। हमारा लव आंडू जो हमें पसंद है। साथ आप भाई क्या मांग रहे हैं? 1,20,000। कितने दांत का? पूरा है। सचिन के क्या मांग रहे हो? छोटूओं के दोनों के
अच्छा बकरी के साथ भेजोगे? बकरी के साथ कितने? 40,000। कितने दिन के हुए हैं? 15-20 दिन के। ये दोस्तों पूरी की पूरी बकरी मंडी है। शायद बकरियां होती हैं क्या? बच्चे और बकरियां। हाँ ये बकरी है। एक भी मेरे को बकरा नहीं दिखा था, सारी बकरी है। तो यहाँ बकरी मंडी लगती है, उस तरफ बकरे खड़े। ले ले खशान के लिए ले चलें। हैं दोस्तों मंडी समझ नहीं आई बिल्कुल भी। तो बकरों का तो मैं रेट खैर लेने नहीं आया था, तो हम लोग अब जा रहे हैं वापसी के लिए। क्या मांग रहे बेटा? इसको 4,000। अभी भी भाई दोस्तों घर जाते जाते 7 महीने रोक लिया है। बोल रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं। तो वेट में शायद कोई अच्छा मुर्गा आ जाए या मुर्गी कुछ भी तो मिल जाए कोई भी। अभी भी वेट ही कर रहे हैं। अभी कितने का क्या रेट मान रहा है? 5,000 रुपये। वाले की बात कर रहा है ना, मुर्गा तो अच्छा पर बीमार है। दोस्तों दुमड़ी सही है, सब सेट है, पर बीमार लग रहा है इस वजह से। जाते जाते हम रुक गए, पर बीमारी में लग रहा है। सुनो ये ले लो सबसे बेहतरीन चीज। तो दोस्तों खुआरी तो नहीं हुई हमारी, मुर्गा मार्केट तो लगी हुई थी मंडी पर, जो है ना अच्छे मुर्गे नहीं आए थे। खैर अब हम जा रहे हैं घर। जाओ अपने सेटअप पर मिलते हैं आपसे, बाकी खुआरी हो गई यार। पहुंच गए भाई, चले दोस्तों घर आ गए हम अपने। चलो भाई जल्दी से आ जाए छत पे, सबको खोलू यार, सबके सब भूखे हैं। तो दोस्तों आ गए भाई छत पे अपने सेटअप के पास, और इन सबको अब मैं हल्के हल्के करके दाना डालूं यार, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं आज अपने ये जाने के चक्कर में मंडी के। दोस्तों एक चीज़ बताता चलूं कि ये मंडी कहाँ की थी। काफ़ी लोग पूछेंगे कि यार किधर की मंडी है, सोचते हैं वीडियो देख के बताया नहीं। तो दोस्तों ये थी टंडो साईंदाद की मंडी, इससे आगे लगता है टंडो आदम। तो बात असल में ये थी कि टंडो आदम में भी काउंट हो जाती है मंडी वगैरह। वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर टंडो आदम ही है ये वो, लेकिन वैसे ओरिजिनली टंडो साईंदाद की गाय मंडी थी, और उसके आगे ये मुर्गा मंडी भी लग जाती है। अंदर आए हुए तो काफ़ी थे, आप लोगों ने देखा अच्छे खासे मुर्गे आए हुए थे, पर जो बात थी रेट बहुत हाई थे, और मुर्गे जो थे ना वो कोई भी नस्ल वाइज कम थे। अच्छे भी आए हुए थे लेकिन बहुत कम थे। लेकिन बाकी सारा दोस्तों कट्टू माल था। कट्टू माल से मुराद के काटने वाला, जिन्हें हम बोलते हैं कि जो ना वो लेके जा रहे थे जो मुर्गी काटने वाले होते हैं उनके हिसाब से था, और वो अच्छे खासे आए हुए थे और अपनी चिंचियाँ भर भर के ले जा रहे थे। खैर तो मतलब मेरे हिसाब से ये है कि अगर किसी को टूर मारना हो तो सीधा सीधा टंडो साईंदाद का पूछ के चलेंगे, और वो आराम से पहुंच जाएंगे आप उसमें इस मंडी में। और गाय मंडी से ये अंदर ही जाके लगती है, तो सुकून से पहुंच जाएंगे वहाँ पे। बाकी दोस्तों मंडी कैसी लगी आप लोगों को, और मंडी में हमने जितने हो सके मैं कवरेज कर सकता था, बाकी इतनी लंबी मैंने सिर्फ आप लोग ही ऐसे जाता हूँ कि दिखा सकूँ कि मंडी के क्या रेट चल रहे हैं। और सीधी वो अपने लिए भी कहते हैं कि हमें भी कोई काला खानी या ऐसा कोई बच्चा मिल जाए जो अच्छा हो बड़ा हो। मिल तो कुछ रहते लेकिन यार उनके रेट बहुत हाई थे, पर मेरे हिसाब से दोस्तों इस मंडी के हिसाब से हमारे इधर बहुत अच्छी और सस्ते जानवर मिल जाते हैं ऐसे परिंदे मुर्गे वगैरह। उधर से बेहतर है फिर हम इधर से ही ले लिया करें, इतनी क्वारी कौन करें। खैर दोस्तों तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल अगर मैं शौक को लादमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।